प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत की गुत्थी उलझती चली जा रही है। अब आशंका जताई जा रही है कि शैलेश यादव की मौत सल्फास खाने से हुई। कल खबरें आ रही थी कि शैलेश की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। आपको बता दें कि शैलेश यादव मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले का आरोपी था। व्यापम घोटाले मामले में दो मामलों में शैलेश यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और इस मामले में शैलेश की कभी भी गिरफ्तारी तक हो सकती थी। इस दौरान इस खबर का आना कि शैलेश यादव की अकस्मात मृत्यु हुई है, कई सवाल अब खड़े हो गए। हम आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शैलेश यादव वो पहले शख्स, पहले आरोपी, पहले सस्पेक्ट नहीं है जो इस मामले में इस तरह के अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में मारे गए हैं। इससे पहले इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 6 और ऐसे आरोपी हैं व्यापम घोटाले में जिनकी मौत संदिग्ध हालात में हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि शैलेश यादव की वाकई ही अगर ये मृत्यु हुई तो किन हालातों में हुई, क्या ये खुदकुशी है